डायनासोर यह एक विशाल और ताकतवर जीव हुआ करते थे जो पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले राज किया करते थे। इनके चलने मात्र से ही पृथ्वी थर थर कांपने लगती थी। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं डायनासोरों के बारे में कुछ अमेजिंग रोचक तथ्य जानेंगे। तो उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। डायनासोर्स के बारे में कुछ रोचक तथ्य। डायनासोर मेसोजोइक युग के दौरान रहते थे जो कि लगभग 250 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक चला था। ग्रीक में डायनासोर शब्द का अर्थ भयानक छिपकली होता है। डायनासोर छिपकली नहीं थे, वे सरीसृपों का एक अलग समूह थे जिन्हें आर्कोसोरस कहा जाता था। डायनासोर 135 मिलियन से अधिक वर्षों के लिए प्रमुख भूमि जानवर थे। पक्षी डायनासोर के एकमात्र जीवित वंशज हैं। पहला डायनासोर जीवाश्म 1824 में इंग्लैंड की एक युवा लड़की मैरी एनिंग द्वारा खोजा गया था। अब तक खोजा गया सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस है जो लगभग 100 फीट लंबा था और इसका वजन 10 हाथियों जितना था। और अब तक का खोजा गया सबसे छोटा डायनासोर आर्कियोनोरिस है जो कि एक कबूतर के आकार का था। सबसे तेज डायनासोर चीता जैसा डायनासोर था जिसे ट्रोमेयोसोरस कहा जाता था। सबसे धीमा डायनासोर बख्तरबंद शाकाहारी था जिसे एंकाइलोसोरस कहा जाता था। डायनासोर के तीन मुख्य समूह थे ओरनिशियन, सोरिशियन और पेट्रोसोर। ओरिशियन शाकाहारी डायनासोर हुआ करते थे और उनके कूल्हे पक्षी जैसे थे। सोरिशियस दोनों शाकाहारी और मांसाहारी हुआ करते थे और उनके पास छिपकली जैसे कूल्हे थे। जबकि टेरोसोरस डायनासोर नहीं थे लेकिन वे एक ही समय अवधि के दौरान रहते थे और सरीसृप होते थे जो उड़ सकते थे। पहले डायनासोर छोटे थे और दो पैरों पर चलते थे। उसके बाद डायनासोर विकसित होकर मुर्गियों जितने छोटे और इमारत जितने बड़े हुए। ट्राइसेरोटॉप्स के पास अब तक किसी भी जमीन जानवर की सबसे बड़ी खोपड़ी हुआ करती थी। स्टेगोसोरस के शरीर के आकार की अपेक्षा किसी भी डायनासोरों का मस्तिष्क सबसे छोटा था। टीरेक्स के दांत केले के आकार के थे। डिप्लोडोकस की गर्दन 25 फीट से अधिक लंबी थी। वेलोसिरैप्टर जो सबसे तेज भागने वाला डायनासोर हुआ करता था उसके पंख हुआ करते थे। डायनासोर अंडे देते थे जिन्हें अक्सर घोंसलों में दबा दिया जाता था। कुछ डायनासोर जैसे स्टेगोसोरस की सुरक्षा के लिए उनकी पीठ पर एक बोनी प्लेटें बनी हुई थी। स्पाइनोसोरस जैसे अन्य डायनासोरों की पीठ पर पाल थे जो उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकते थे। खाने के आहार के आधार पर डायनासोर के दांत अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे। ब्रांकियोसोरस की तरह सोरोपोड्स की खूंटी जैसे दांत थे जिसका इस्तेमाल वे पेड़ों की पत्तियों को हटाने के लिए करते थे। टीरेक्स की तरह थेरोपोड्स के दांत तेज दांतेदार दांत थे जो कि वे हड्डियों से मांस को चीरने के लिए उपयोग करते थे। एंकाइलोसोरस की एक लंबी क्लब जैसी पूंछ थी जिसका इस्तेमाल वह रक्षा के लिए करता था। कोमसोग्नेथस एक मुर्गे के आकार का था और सबसे छोटा ज्ञात डायनासोर हुआ करता था। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।